डीएवी स्कूल ने मनाया चाइनीज न्यू ईयर, कक्षा तीसरी से छठी तक के बच्चों ने लिया हिस्सा। राजकीय महिला महाविद्यालय में 3 दिवसीय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषय पर कार्यशाला आयोजित, संस्था फ्रियोन के तत्वाधान में हुआ कार्यशाला का आयोजन। डिजिटल कैंपस की ओर बढ़ता जेसी बोस स्वयंसेवी विश्वविद्यालय, 8 स्थानों पर लगे डिजिटल नोटिस बोर्ड। यूआरजी हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रणब रॉय के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर की गई कार्यवाही की मांग। कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायक लड़ सकेंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। बीजेपी के 5 साल के शासन काल में 7वीं बार लगा राष्ट्रपति शासन, अकेले महाराष्ट्र में ही 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। सबरीमाला और राफेल विमान सौदे पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना अंतिम निर्णय, सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई में कल 10:30 बजे सुनाया जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर बनाने के लिए नए ट्रस्ट की जरूरत नहीं, मेरा ट्रस्ट ही मुख्य कर्ता धर्ता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन की खोज हुई शुरू, मुस्लिम नेता ने कहा कि 67 एकड़ जमीन में से मिले मस्जिद के लिए जगह। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।